जिन लोगों ने अमेजॉन प्राइम की सीरीज मिर्जापुर देखी हो उसमें मुन्ना भैया वाला रोड शो अगर याद कर लेंगे तो ये तस्वीर उसी रोड शो से मैच कर जाएगी। बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाने के थानेदार साहब इस बार स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी के रोड शो को चुनौती दे रहे हैं। एक दिन पहले गुजरात में पीएम साहब ने जो रोड शो किया था आप देखिए और बताइए कि यह तस्वीर उससे मिलती है या नहीं। गुजरात वाले रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी जैसे गाड़ी के ऊपर खड़े थे, ये थानेदार साहब बुलंदशहर में उसी तरह काली गाड़ी के ऊपर खड़े होकर जनता का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद थाने में तैनात राजपाल सिंह तोमर का विदाई समारोह इसी कारण से खास है क्योंकि वो मिर्जापुर के मुन्ना भैया की तरह शहर में रोड शो करते नजर आ रहे हैं। गले में नोटों की माला है, पीछे समर्थक, हाथों से अभिवादन हो रहा है, जैसे मान लो विदाई समारोह ना हुआ, किसी विधायक जी के नामांकन का रोड शो हो गया, बस इसके बाद मंत्री बनना है, विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाने हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री बन जाना है। बुलंदशहर जिले में ये जो तस्वीर सामने आई है, अगर ऐसी तस्वीर गाजियाबाद और नोएडा में किसी आदमी की आ जाती, कोई आदमी अपने गाड़ी की छत खोलकर इस तरह से अभिवादन कर देता तो मजाल है नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस की, तत्काल हो जाता चलान, ट्विटर पर पोस्ट हो जाता वीडियो और बताया जाता कि वर्दी का असर देखिए कितना है। लेकिन जिन वर्दी वालों को ही लोगों का चलान करना है उनको रोड शो का चलान कौन थमाएगा। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखकर लगता है कि पुलिस वालों का ही राज है, अगर वो चाह जाएं तो फर्जी मुकदमे में आपको थाने में बंद कर देंगे, मिनट दो मिनट में दो चार्ज लगा देंगे। वो गंगा जल का डायलॉग याद आता है, सड़ जाओगे बिना किसी चार्ज के। उत्तर प्रदेश में थानेदारों के ऐसे शाही स्वागत की ये तस्वीरें आम ही हैं। अक्सर इसी तरह से दरोगाओं के ट्रांसफर और पोस्टिंग के दौरान विदाई समारोह आयोजित होते रहे हैं। थानेदार और कोतवाल भी इसी कतार में हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की ये तस्वीर ये बताती है कि वर्दी के लिए कोई कानून नहीं है, आम आदमी अगर ऐसा कर दे तो 10,000 का चालान कटेगा, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट होगा और पुलिस कहेगी कि फला साहब स्टंट दिखा रहे थे, देखो हमने इनका चालान काट के इनको थाने में ठूंस दिया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।